जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मार्केट प्लेसेज और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स उनको बंद किया गया था, उसके लिए ऑलरेडी एसओपी नोटिफाइड है और फिर से उसको पब्लिसाइज किया जाएगा ताकि लोग एसओपीज को एडहेयर करें पब्लिक प्लेसेस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे आपने बताई अभी रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करने को लेके है, इसमें आपको याद होगा कि लगभग 3000 से ज़्यादा जो रिलीजियस हेड्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, मस्जिद के इमाम हैं, उनसे हमने मीटिंग की थी और डिटेल में उनके साथ एसओपी डिस्कस किया। रिसेंटली भी अभी पिछले हफ्ते में काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन उनके साथ हुई है और स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है एक नोटिफाई किया है एसओपी के क्या अडॉप्ट करना है, वो इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए है। मुझे यकीन है कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस पे भी खड़े उतरेंगे, इसको लीड करने के लिए पब्लिक में मैसेज भी ले जाएंगे और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ओपनिंग के लिए जो एसओपी नोटिफाई किया वो अडॉप्ट किया जाएगा। सर लोगों से क्या अपील रहेगी? देखिए अपील यही रहेगी, आप जैसे जानते हैं कि आज एक चीज़ ये है कि श्रीनगर के जो नंबर ऑफ केसेज हम अगर बारीकी से स्टडी करें तो जो रिकवर्ड केसेस हैं वो एक्टिव केसेस से डबल हैं अभी, तो एक ये पॉजिटिव चीज़ भी है। अब नंबर ऑफ़ केसेस आते रहेंगे, एक्सपर्ट्स की पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल हैं कि इतना जल्दी इसका डाउनफॉल नहीं होने वाला है, नंबर ऑफ़ केसेस आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम बार बार कहते हैं कि मास्क पहनने की ज़रूरत है, फिज़िकल डिस्टेंस रखने की और पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस में गैदरिंग काफ़ी कम्पैक्ट और काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जिस किस्म की तैयारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की है, रिलीजियस लीडर्स की है, मुझे यकीन है कि वो एसओपीज को अडॉप्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ऑलरेडी एसओपीज नोटिफाइड हैं उसके तहत हमने मार्केट्स को ओपन किया था, 13 जून से लॉकडाउन को कम्प्लीटली रिमूव किया गया था। उसके बाद एक शार्प स्पाइक हुआ केसेस का, लगभग 400 से साढ़े 4-5 हज़ार तक केसेस पहुंचे हैं। उसके बाद महीना डेढ़ महीना जो काफ़ी इश्यूज रहे हैं जहां नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े, काफ़ी स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ, उसके बाद दोबारा हमें लगभग 10 दिन से एक लॉकडाउन करना पड़ा। बीच में ईद से पहले ब्रेक भी 3-4 दिन की दी गई थी। 16th के बाद जैसे हम ओपन करने का एसओपी हमने डिस्कस किया है ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी कि 50% अगर हम मार्केट ओपन करते हैं तो उसको एडहेयर किया जाए। और जैसे पिछली बार देखा गया था कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग और गैदरिंग जो पब्लिक प्लेसेस पे होती है वो अगर अवॉइड हो तो मुझे लगता है कि दोबारा लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इन एसओपीज को अडॉप्ट करेंगे।